और अब आपको 9 सेकंड न्यूज में दिखाएंगे देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। ओडिशा के कोरापुट में भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव, जनजीवन प्रभावित, सड़कें हुई लबालब, घरों में घुसा बारिश का पानी, अगले 24 घंटे में कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शख्स ने गोली मारकर खुदकुशी की, सुसाइड नोट में खुद को बताया पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले का फैन, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, हर पहलू से जांच पड़ताल जारी। आईआईटी मंडी में रैगिंग के मामले में 72 छात्रों पर कार्रवाई हुई, फ्रेशर से रैगिंग करने पर 10 छात्रों को 6 महीने के लिए किया गया सस्पेंड, सभी से खाली करवाए गए हॉस्टल। लखनऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में बिल्डिंग से गिरा छात्र, मौके पर ही मौत, हेरा मेडिकल कॉलेज की एक बिल्डिंग से गिरा था छात्र, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बिहार के नवादा में 12 घंटे तक नहीं मिला एक शख्स को इलाज, मौत के बाद लोगों ने हंगामा किया, लावारिस शख्स की पहचान ने न हो पाने से जिला अस्पताल में नहीं किया गया था भर्ती। पंजाब के फिरोजपुर में एक डीएसपी ने पुलिस महकमे के आला अधिकारी पर उठाए सवाल, डीजीपी को लिखा खत, कहा जिले के कई पुलिस अधिकारियों की है तस्करों और गैंगस्टर से मिली भगत। यूपी के प्रयागराज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एसटीएफ ने किया इंटरेस्ट तस्करी गैंग का भंडाफोड़, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वन्य जीवों की करते थे तस्करी। राजस्थान के चूरू में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बोलेरो कार की टक्कर, 6 लोगों की हुई मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, घायलों में ज्यादातर बच्चे शामिल, मृतकों की तादाद बढ़ने की आशंका। यूपी के बरेली के अलीगंज में जन्माष्टमी शोभा यात्रा के दौरान बिजली विभाग की लापरवाही से हादसा हो गया, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 लोग झुलसे, हादसे के बाद लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के चरखी दादरी में एक मजदूर के खाते में बैंक की गलती से जमा हो गए 200 करोड़ रुपए, मजदूर पर लगे हेरा फेरी के आरोप, पुलिस की पूछताछ में 60,000 रुपए निकालने की बात कबूली। मुंबई के कुरैशी नगर के कुली पूर्वी में आग लगने से मचा हड़कंप, मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची, कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के अयोध्या में जटायु क्रूज को सरयू घाट ले जाया गया, कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जटायु क्रूज से पर्यटकों को अयोध्या की सैर कराई गई। और चलिए अब आपको 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें दिखाते हैं। यूरोपीय संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक की, सांसदों से मुलाकात की, बेल्जियम से पेरिस जाएंगे राहुल, एक हफ्ते की यूरोप यात्रा पर है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। पूरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, भारत प्राचीन नाम अंग्रेजी नाम इंडिया रखना एक हिंदू राष्ट्र के लिए ठीक नहीं, अखंड भारत का संदेश पूरे विश्व में जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा इन्हें भारत के 15% मुसलमान बर्दाश्त नहीं होते, अखंड भारत में 45% मुसलमान कैसे होंगे बर्दाश्त। कर्नाटक में आज बीजेपी का प्रदर्शन, कांग्रेस सरकार पर जन विरोधी नीतियों के आरोप, बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने कहा राज्य में प्रशासन ध्वस्त, सूखे में भी बिजली कटौती हो रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बीजेपी पर निशाना, कहा कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार से पीएम मोदी नाराज, इसलिए राज्य में किसी को नहीं चुना गया विपक्ष का नेता। महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग और तेज हो गई है, शिंदे सरकार के खिलाफ जालना में विरोध प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनकारियों ने कहा निजाम शासन के दौरान के कुनबी मराठों को भी आरक्षण मिले। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज 710 नवनियुक्त पटवारियों को नियुक्ति पत्र देंगे, चंडीगढ़ में होगा कार्यक्रम, सरकार ने कहा पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए किया गया है चयन। बांग्ला दिवस को लेकर पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने पास किया प्रस्ताव, ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा पोइला बोईशाख का होगा बांग्ला दिवस, इसी दिन से शुरू होता है बंगाली नया साल। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने फिर दिया विवादित बयान, राज्यपाल पर टिप्पणी की, राज्यपाल ने उल्टा सीधा बोलकर बांग्ला भाषा का किया अपमान, उन्हें रुख बदलना चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी के लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं, भारत नाम रखने से कुछ नहीं होता, उन्हें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है
शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।